हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्पल लेबोरेटरीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसमें आज 15% से ज़्यादा की एक बहुत बड़ी रिकवरी आती देखने को मिली। लेकिन कई दिनों से ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही थी, तो पहले हम जानेंगे इस गिरावट का रीज़न क्या है और फिर बात करेंगे आज की तेज़ी के बारे में और बताएंगे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में क्या करें, होल्ड करके चलें या बेचना ही सही होगा, क्या इस लेवल पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं। सभी डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हमें 27 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है, वो भी 14 से 15% की तेज़ी के साथ। स्टॉक में एक तरफी गिरावट कई दिनों से देखने को मिल रही थी। स्टॉक का लास्ट 1 मंथ चार्ट देखें तो 20% से भी ज़्यादा क्रैश होता नज़र आया। जैसे कि आप चार्ट देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कई बार ऊपर के लेवल से ऐसी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। जब भी कभी स्टॉक में बड़ी तेज़ी आती दिखी है, उसके बाद एक सेम डाउनफॉल या सेम चार्ट पैटर्न बनता देखने को मिला है। जब भी ये स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये गिरावट कहाँ जाके रुकेगी। लेकिन जिस भी लेवल पर इस स्टॉक ने सपोर्ट ली है, एक बहुत बड़ी तेज़ी भी हमें बनती नज़र आई है। पर ऐसा ही कुछ आज के दिन भी हुआ है और अभी के हिसाब से स्टॉक एक 24 रुपीज़ के पास सपोर्ट ले चुका है, जिसके चलते आज एक बाउंस बैक आता देखने को मिल गया। कोई भी न्यूज़ या अनाउंसमेंट कंपनी को लेकर आज आती देखने को नहीं मिली है। आज की बड़ी तेज़ी का कारण सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेवल से आई एक रिकवरी को हम मानकर चल सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री कैश इक्विटी कॉल्स मिलती हैं जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 1,345 करोड़ का है और स्टॉक सिर्फ 17 की ईपी पर मिल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है। लेकिन इसके प्रॉफिट में जो बड़ा डिक्लाइन हमें लास्ट 2 to 3 quarters में आता दिखा, वही इस स्टॉक की गिरावट का कारण है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास अभी 36.74% होल्डिंग्स हैं, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 22 सितंबर को प्रमोटर्स के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग होती नज़र आई है। बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए 25 रुपीज़ के प्राइस पर शेयर खरीदे गए हैं। साथ ही FIIs और DIIs का स्टेक देखें तो FIIs ने इस स्टॉक में लगभग 1% और DIIs ने 4% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, जिसके चलते बाकी 58% शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास हैं। तो जो इन्वेस्टर्स फ्रेश बाइंग करने के लिए या एवरेज करने के लिए सोच रहे हैं, वो अभी थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने का टाइम दें, क्योंकि एक फ्री फॉल इस स्टॉक में आ चुका है और अभी कंसोलिडेशन स्टॉक दिखाने वाला है। उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है अब काफ़ी करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है तो ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं हैं, जिसके चलते स्विंग ट्रेडिंग इस स्टॉक में बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। लेकिन अब अगर इसमें और गिरावट आती है तो ये स्टॉक हमें 24.60 रुपीज़ के पास सपोर्ट लेता नज़र आ सकता है, और आज के रिवर्सल के बाद अगर एक तेज़ी देखने को मिलती है तो स्टॉक के लिए 30 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स इन लेवल्स को ध्यान में रखकर बाइंग करें। लेकिन 31 रुपीज़ का लेवल अगर स्टॉक पार करता है और उसके ऊपर स्टेबल रह पाता है तो बहुत बड़ी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी स्टॉक को होल्ड करके चलें, क्योंकि आगे भी कई बार स्टॉक में ऐसा फ्रीफॉल हम देख चुके हैं। अक्सर ऐसे फ्रीफॉल के बाद स्टॉक बहुत बढ़िया रैली दिखाता है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। कोरोना के टाइम पर भी ये स्टॉक सिर्फ 9 रुपीज़ रह गया था, लेकिन जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आई तब इस स्टॉक ने 72 रुपीज़ के लेवल को भी टच कर दिया था। तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें और नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही कोई भी डिसीजन लेने की सोचें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।